अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एरिथ्रोपोएसिस के प्रोसेस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो समझते हैं कि एरिथ्रोपोएसिस किसे बोलते हैं। एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन के प्रोसेस को एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और वर्ड भी होता है जिसे हेमेटोपोएसिस कहा जाता है। सो हेमेटोपोएसिस बेसिकली क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, यानी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, इन सब की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हिमेटोपोइसिस कहा जाता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली आरबीसीज की बात करें तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एरिथ्रोपोइसिस। और आपको पता भी होगा कि रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, राइट। सो वहां से ही निकला है। ओके, एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को देखते हैं, ये स्टार्ट कहां से होता है। सबसे पहले अगर हम देखें फीटस के अंदर, यानी बेबी जब माँ के पेट के अंदर है, तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर जो योक सैक होता है वहां से रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर जैसे ही फीटस थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 to 3 months की एज को पहुंचता है, ठीक है, पेट के अंदर ही, तो इस स्टेज में एरिथ्रोपोएसिस यानी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन का प्रोसेस लिवर और स्प्लीन के अंदर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे ही हम कह सकते हैं कि बेबी 5 months के ऊपर का हो जाता है, तो फिर ये प्रोसेस बोन मैरो में स्टार्ट हो जाता है, यानी फिर रेड ब्लड सेल्स के बनने का प्रोसेस बोन मैरो में स्टार्ट हो जाता है, जो थ्रू आउट द लाइफ चलता है। और बोन मैरो में भी स्पेशली स्पॉन्जी बोन के अंदर, यानी कि रेड बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस होती है। सो यहाँ पर हमारे पास एक बोन है, आपको पता है ये इसकी कैविटी आ जाती है, मेड्यूलरी कैविटी, और ये साइड पर जो पोर्शन होता है ये पोरस पोर्शन होते हैं, और यहाँ पर अंदर जो मैरो मौजूद होता है उसे रेड बोन मैरो कहा जाता है। सो बेसिकली इस एरिया के अंदर, किसी भी बोन के रेड बोन मैरो के अंदर एरिथ्रोपोएसिस यानी रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन का प्रोसेस चलता है। क्लियर हो गया? ओके, सो मैंने अभी तक आपको बताया कि एरिथ्रोपोएसिस का प्रोसेस रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। ये स्टार्ट होता है फीटस में, योक सैक में एरिथ्रोपोएसिस यानी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। फिर जैसे ही फीटस बड़ा होता जाता है, 2 to 3 months का होता है, तो लिवर और स्प्लीन के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर जैसे ही और बड़ा होता है तो ये शिफ्ट हो जाता है इंटू बोन मैरो, यानी बोन मैरो में भी कौन सी रीजन के अंदर, स्पॉन्जी रीजन के अंदर, जहां पर रेड बोन मैरो मौजूद होता है। क्लियर है? ओके, अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जिन्हें प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है, यानी जो डिफरेंट चीजों के अंदर डिफरेंशिएट होने की सलाहियत रखते हैं। सो इनको हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स भी कहा जाता है। सो अब यहां पर आपको समझ आ रही होगी, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स यानी हेमेटोपोएसिस, यानी ये वाले स्टेम सेल्स क्या करेंगे, रेड ब्लड सेल्स की भी प्रोडक्शन करेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स की भी प्रोडक्शन करेंगे, प्लेटलेट्स की भी करेंगे, इसके अलावा लिम्फोसाइट्स की भी करेंगे। सो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स क्या करते हैं, 2 टाइप के सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं, जिनमें लिम्फोइड स्टेम सेल्स होते हैं और फिर माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं। अच्छा, लिम्फोइड स्टेम सेल्स आगे लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, जो बेसिकली काइंड ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और जो माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स भी बनाते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी बनाते हैं और प्लेटलेट्स भी बनाते हैं, ठीक है। सो लिम्फोसाइट जरा अलग किस्म के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और माइलॉइड स्टेम सेल से अलग किस्म के व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, क्योंकि आपको पता होगा व्हाइट ब्लड सेल्स की काफी सारी टाइप्स होती हैं। ओके, अब माइलॉइड स्टेम सेल से व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की सिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। यहां पर हम देखेंगे कि रेड ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि स्टेम सेल सेम है तो रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस क्यों कर होगी, जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स भी ये स्टेम सेल्स बना सकते हैं, प्लेटलेट्स भी बना सकते हैं। सो डेफिनेटली यहां पर हमारा फोकस रेड ब्लड सेल पे है। तो रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारी किडनी के अंदर रिलीज होता है, जिसे एरिथ्रोपोएटिन कहा जाता है। यानी एरिथ्रोपोएटिन स्पेशल टाइप का हार्मोन होता है जो हमारा किडनी बनाता है, ठीक है। और ये क्यों बनाता है हमारा किडनी, कि हमारे किडनी के अंदर स्पेशल, किडनी के कुछ सेल्स हैं उनके अंदर स्पेशल एंजाइम मौजूद होता है जो डिटेक्ट करता है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को। यानी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर कम है। सो ऑक्सीजन की जब डेफिशिएंसी फील करता है
तो ये हार्मोन सिक्रीट होने लगता है। अब ये हार्मोन जैसे ही माइलॉइड स्टेम सेल को मिलता है तो माइलॉइड स्टेम सेल्स क्या करते हैं, आगे एरिथ्रोपोएसिस यानी रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है जो कहां पर प्रोड्यूस होता है, किडनी के अंदर प्रोड्यूस होता है। क्लियर हो गया? ओके, सो प्रोसेस स्टार्ट हुआ हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स में, जो आगे डिफरेंशिएट हुए इनटू लिम्फोइड स्टेम सेल्स एंड माइलॉइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड स्टेम सेल्स ने आगे रेड ब्लड सेल्स को बनाया है। सो सबसे पहले माइलॉइड स्टेम सेल से रेड ब्लड सेल के बनने के प्रोसेस में पहला किस टाइप का सेल बनेगा, जिसे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट कहा जाएगा। प्रो आप नाम से समझ चुके होंगे कि फर्स्ट, ठीक है, पहला एरिथ्रो यानी एरिथ्रोसाइट बनाने के प्रोसेस में जो सबसे पहला सेल बन रहा है उसे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट कहा जाता है। ओके, अब प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो सेल है उसकी खासियत को देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये सेल काफी बड़ा होगा साइज के अंदर, यानी रेड ब्लड सेल जो बन के निकलेगा उससे ये कंपैरिजन में साइज में बहुत बड़ा होगा। इसके अलावा इसके न्यूक्लियस भी काफी बड़ा होगा, और जबकि आपको पता है एंड प्रोडक्ट यानी जो रेड ब्लड सेल होता है उसका तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, सो इसका मतलब न्यूक्लियस के साथ भी कुछ चेंजेस होंगे और न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी साइज डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस लॉस्ट हो रहा है। और इसके अलावा इसका जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर भी चेंजेस देखने को मिलती है, जो यहां पर कलर में मैंने रिप्रेजेंट कर रखी है। ठीक है, सो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल क्या है, उसके अंदर न्यूक्लियस काफी बड़ा है और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो लूज फॉर्म में पड़ा हुआ है। लूज फॉर्म में लूज क्रोमेटिन मौजूद है, और लूज क्रोमेटिन को आपको पता होगा कि इसको यू क्रोमेटिन भी कहा जाता है, यू क्रोमेटिन। ये क्या बना हुआ है, आई थिंक मेरी बेटी ने ड्रा किया। ओके, सो यू क्रोमेटिन यानी लूज क्रोमेटिन जो होता है उससे क्या होता है, फिर डेफिनेटली जब डीएनए ओपन हो जाएगा, लूज हो जाएगा, तो उसकी सीक्वेंसेस एक्सपोज हो जाएंगे। सीक्वेंसेस एक्सपोज होंगे तो एंजाइम काम करेंगे। एंजाइम क्या करेंगे, जीन के पोर्शंस को मैसेंजर आरएनए में ट्रांसलेट कर देंगे। मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर उसकी आगे ट्रांसलेशन होगी प्रोटीन में, राइट। सो यहां पर डिफरेंट टाइप का मैसेंजर आरएनए बनेगा जो कि राइबोसोम की सिंथेसिस भी करवाएगा, और यहां पर न्यूक्लियोलस भी अपीयर होता है यानी राइबोसोम्स भी बन रहे होते हैं, और साथ में प्रोटीन भी बननी है। कौन सी प्रोटीन, आपको पता ही होगा, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन कैरियिंग कैपेसिटी रखती है, यानी सारा फंक्शन ऑक्सीजन कैरियिंग का हीमोग्लोबिन प्रोटीन परफॉर्म कर रही होती है। ओके, सॉरी, सो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो सेल है वो आगे फर्दर फिर बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट सेल में क्या चेंजेस आई हैं, यानी इस सेल में क्या चेंजेस आई हैं कि अब ये सेल बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट कहलाता है। हुआ ये है कि यहां पर जो लूज क्रोमेटिन था उसकी डेफिनेटली उसमें ट्रांसक्रिप्शन हुई है, मैसेंजर आरएनए बना है, इसके अलावा राइबोसोम्स बने हैं, तो डेफिनेटली न्यूक्लियस से ये मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स बाहर निकले हैं और यहां पर एक ब्लू एरिया बन गया। यानी जब इस सेल को हम स्टैन करते हैं तो ये साइटोप्लाज्म जितना भी है ये ब्लूइश अपीयरेंस देता है, जो कि बेसोफिलिक यानी बेस लाइक अपीयरेंस दे रहा है। ठीक है, सो जो राइबोसोम होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, उसकी अपीयरेंस जब हम स्टैन करते हैं तो ब्लूइश आती है। ठीक है, सो इस वजह से इसे बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट कहा जाता है, और इसके अलावा इसे अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट भी डिफरेंट नाम दिए जाते हैं बुक्स के अंदर। ठीक है, सो स्टैंड ब्लू बिकॉज ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम, यानी कि बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर आपको क्या चीजें मिलेंगी, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम बहुत ज्यादा अबंडेंट में होगा, मैसेंजर आरएनए बहुत ज्यादा मिकदार में होगा, क्योंकि हमें पता है कि राइबोसोम क्या करता है, मैसेंजर आरएनए को रीड करके प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। सो हमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन की सिंथेसिस रिक्वायर है, सो ये प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। सो बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट सेल, ओके, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट सेल फिर फर्दर क्या करता है, पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट सेल में कन्वर्ट हो जाता है। पॉलीक्रोमेटिक यानी पॉली डिफरेंट कलर्स, ठीक है, सो एरिथ्रोब्लास्ट अब यहाँ पर अगर आप देखें तो डिफरेंट कलर अपीयर हो रहे हैं, इसमें ब्लू कलर भी है, रेड कलर भी है। ठीक है, ब्लू कलर अगेन से मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि रेड कलर क्या है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए थे उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, प्रोटीन बन गई है, अब बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट सेल कन्वर्ट हो चुका है इनटू पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। अब आप एक और चीज यहां पर नोट करें, हर सेल के साथ हमने ब्लास्ट लगाया हुआ है। सो ब्लास्ट ऐसे सेल्स होते हैं जो प्रोलीफ्रेट होते हैं, ठीक है, फास्टली आगे नंबरिंग प्रोड्यूस करते रहते हैं, सो ये अभी तक ब्लास्ट सेल्स हैं। सो पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रोटीन हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस स्टार्ट हो चुकी है, सो ये वाली अपीयरेंस साइटोप्लाज्म के अंदर रेड कलर में शो हो रही होती है जब हम स्टैन करते हैं।
इसके अलावा इसे इंटरमीडिएट एरिथ्रोब्लास्ट भी कहा जाता है। ओके, अब यहां पर चेंजेस क्या आएंगी, अब ये सेल मजीद आगे चेंजेस करके ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट में क्या होगा कि सेल अब ज्यादा से ज्यादा रेड अपीयरेंस दे रहा होगा, यानी हीमोग्लोबिन काफी ज्यादा बन चुकी है और यहां पर जो मैसेंजर आ रहे हैं वो राइबोसोम है, वो कम होता जा रहा है। ठीक है, थोड़े से पैचेस आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे होंगे। सो ये आ गया हमारे पास ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, जिसे लेट एरिथ्रोब्लास्ट भी कहा जाता है या नॉर्मोब्लास्ट भी कहा जाता है, डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। क्लियर हो गया। ओके, अब अगर यहां पर आप एक और चीज नोट करें, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि सेल का साइज डिक्रीज होता जाएगा, यानी ये सेल सबसे बड़ा है, फिर छोटा होता जाएगा नया सेल, फिर नए सेल छोटे मजीद छोटे होते जाएंगे। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है वो भी छोटे से छोटा होता जाएगा और इवेंचुअली एक टाइम आएगा कि ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट जब कन्वर्ट होगा इनटू न्यू टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल जिसे रेटिकुलोसाइट कहा जाता है, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस पॉप आउट हो जाता है, इस सेल से निकल जाता है। अब यहाँ पर ये जो रेड ब्लड सेल बना है जिसे रेटिकुलोसाइट कहा जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक छोटा सा नेटवर्क नजर आ रहा है राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए का, सो इसी वजह से इस सेल को रेटिकुलोसाइट कहा जाता है, रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एक नेटवर्क सा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, रेटिकुलोसाइट नेटवर्क भी यहाँ पर इस सेल के अंदर मौजूद है जो कि मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम का है। ठीक है, और ये वाले सेल्स हमारे ब्लड के अंदर 1-2% होते हैं। सो अगर ये सेल हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा हो तो ये क्या शो कर रहे होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रही है। ठीक है, अगर कम होंगे इसका मतलब रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कम हो रही है। सो इन सेल्स को डिटेक्ट करने से हमें हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन का पता चलता है कि कितनी फास्ट हो रही है कितनी स्लो हो रही है। अगर ये रह जाती है तो इसका मतलब नॉर्मली चल रही है। ठीक है, अब रेटिकुलोसाइट में क्या होता है, ये मजीद मॉडिफाई हो जाता है, मेच्योर हो जाता है और अब ये कन्वर्ट हो जाता है इंटू मेच्योर एरिथ्रोसाइट। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखें ये इसे साइट कहा जाता है, यानी अब इसकी प्रोलिफ्रेशन का प्रोसेस खत्म हो चुका है, अब जस्ट ये मेच्योर होगा। सो ये मेच्योर हुआ और इसका जो नेटवर्क है वो भी लॉस्ट हो गया, अब इसके अंदर जस्ट हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जिसमें ऑक्सीजन कैरियिंग कैपेसिटी होती है और यहाँ पर डेफिनेटली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी लॉस्ट हो जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी चला जाता है क्योंकि इस सेल को खुद एनर्जी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करता और जो ज़रूरत होती भी है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया मेच्योर एरिथ्रोसाइट जिसके अंदर ना न्यूक्लियस है, ना हमें मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम ज़्यादा नज़र आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हीमोग्लोबिन और कम्प्लीटली ये रेड कलर शो कर रहा है। क्लियर हो गया। ओके, सो जो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है इसमें कुछ चीजें रिक्वायर होती हैं, जैसे कि आयरन, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अलावा फोलिक एसिड हो गया, इसके अलावा B12 हो गया, वाइटामिन B12, ये तीनों जो मिनरल्स हैं हम कह सकते हैं, ये वाइटामिन आ गया और ये मिनरल्स आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिफरेंट स्टेप्स के अंदर, यानी ये न्यूक्लियस जो है इसे कंडेंस करने के अंदर फोलिक एसिड B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आयरन का भी रोल होता है, यानी अगर ये इन चीज़ों की डेफिशिएंसी होगी तो ये न्यूक्लियस बड़ा होगा और जो रेड ब्लड सेल बनेगा वो मैक्रोसाइटिक रेड ब्लड सेल होगा जिसके बहुत सारे नुकसानात होंगे, डेफिनेटली वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसके अलावा कार्ब्स की ज़रूरत होती है डेफिनेटली हीमोग्लोबिन प्रोटीन के लिए, फैट्स और एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है, प्रोटीन तो होती है एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है, इसके अलावा फैट्स और कार्ब्स जो हीम ग्रुप होता है उसके अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो जब ये सारे प्री रिक्वेजेड यानी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगे तभी रेड ब्लड सेल का बनने का प्रोसेस आसानी से परफॉर्म हो सकेगा। सो क्विकली रिव्यू कर लेते हैं, मैंने आपको आज पढ़ा है या एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस मैंने बताया, एरिथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल के प्रोसेस को बोलते हैं और फीटस में ये स्टार्ट होता है योक सैक के अंदर, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू लिवर एंड स्प्लीन के अंदर, फिर इसके बाद ये बोन मैरो के अंदर बनना स्टार्ट होता है और फिर सारी जिंदगी बोन मैरो के अंदर बनता रहता है। बोन मैरो में कौन सी, रेड बोन मैरो के अंदर जो कि एजेस वगैरह में जो हालो बोन्स होती हैं उनके एजेस में मौजूद होता है रेड बोन मैरो, इसके अलावा बाकी जो जैसे स्कल की बोन होगी इनके अंदर भी ये रेड बोन मैरो मौजूद होता है, रिब्स वगैरह के अंदर मौजूद होता है और रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है, हर जगह ये तकरीबन बोन के अंदर मौजूद होता है जहाँ पर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन का प्रोसेस होता रहता है। सो मैंने आपको बताया सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं जो
डिफरेंशिएट हो सकते हैं इनटू लिम्फोइड स्टेम सेल और माइलॉइड स्टेम सेल में। माइलॉइड स्टेम सेल क्या करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, रेड ब्लड सेल की भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्लेटलेट्स की भी कर सकते हैं। अगर इन्हें सिग्नल जाता है एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन का जो कि किडनी प्रोड्यूस करता है अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये माइलॉइड स्टेम सेल कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। अब ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल की खासियत क्या होती है कि इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है और इसमें डीएनए लूज फॉर्म में पड़ा होता है, जैसे यू क्रोमेटिन या लूज क्रोमेटिन हम कह सकते हैं, यानी यहाँ से मैसेंजर आरएनए बन रहा है और राइबोसोमल आरएनए बन रहा है राइबोसोम बनाने के लिए, जो कि न्यूक्लियोलस बना रहा होता है बाय द वे। ओके, यहाँ से फिर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर आपको बहुत ज्यादा मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम नजर आ रहा होता है, और फिर डेफिनेटली ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट जिसके अंदर आपको राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए के साथ साथ हीमोग्लोबिन प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती हुई नजर आती है, यानी बन चुकी होती है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। और अब ये प्रोलिफरेट होकर आर्थ्रोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें ज्यादा प्रोटीन बन चुकी है हीमोग्लोबिन, और इन सारे स्टेप्स में अगर आप देखें तो न्यूक्लियस कंडेंस होकर छोटा होता जा रहा है। ठीक है, फिर ये वाला सेल कन्वर्ट हो जाता है इनटू रेटिकुलोसाइट, यानी सिर्फ हमें नेटवर्क सा छोटा सा नजर आता है, बाकी सारा ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन से भर चुका है। अब इसकी मैच्योरेशन होती है, नेटवर्क वगैरह सारा लास्ट हो जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियस भी गायब हो चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज भी गायब हो चुके हैं, जस्टिस के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जिसने ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी या ऑक्सीजन कैरियंग का काम परफॉर्म करना है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि डिफरेंट मिनरल्स और कार्ब्स और अमीनो एसिड बहुत ज़रूरी होते हैं इस सारे प्रोसेस को परफॉर्म करवाने के लिए, और इस प्रोसेस में हमें तीन चेंजेस देखने को मिलती हैं। न्यूक्लियस चेंज हो रहा होता है, छोटा होते होते गायब हो जाता है, सेल का साइज छोटा होता जाता है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म चेंज हो रहा है जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए है, यहाँ पर प्रोटीन आ रही है, आगे मजीद साइटोप्लाज्म के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलती है। सो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।